हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू योर चैनल यूट्यूब सहेली। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है अनवांटेड प्रेगनेंसी से कैसे बचें और कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को यूज करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाने का मेरा मोटिव यही है कि ये टॉपिक हमारी सोसाइटी में खुल के डिस्कस नहीं किया जाता है, तो जानकारी के अभाव में बहुत सारे गंभीर नतीजों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्ट्रासेप्शन के क्या क्या मेथड्स हैं जो कि आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, और लास्ट में ये बताऊंगी कि कौन से वो बेस्ट 3 मेथड्स हैं जिनको हम बिना डॉक्टर से सलाह लिए घर पे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं और जिनका सक्सेस रेट भी हाई है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये जरूर कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि इस चैनल पे आने वाले रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। मेरे और भी वीडियोस देखने के लिए ऊपर चल रहे आई बटन को क्लिक करें। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं वो कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं जो आज के समय में बहुत आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। पहला है इम्प्लांट। इसमें एक माचिस की तीली जैसी रॉड को हमारी बांह के स्किन के नीचे इम्प्लांट किया जाता है। दूसरा है पुरुष नसबंदी, जो कि बहुत आसान है और एक परमानेंट टाइप की नसबंदी होती है और ये बहुत ही कम रिस्क की होती है। तीसरा है हार्मोन आईयूडी। हार्मोन आईयूडी के अंदर एक डिवाइस को बच्चेदानी के अंदर प्लांट किया जाता है और ये बहुत ही आसान है और इसमें बस 15 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट है फीमेल स्टेरलाइजेशन, जो कि महिला के पेट पर चीरा लगा के किया जाता है, आप सभी इसको जानते होंगे। नेक्स्ट है कॉपर टी या कॉपर आईयूडी। इसमें एक टी जैसी डिवाइस को बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट किया जा सकता है। इसको 3, 5, 6 अधिकतम 10 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला है इंजेक्शंस। आज के समय में प्रेगनेंसी से बचने के लिए इंजेक्शंस भी लगवाए जाते हैं जो कि हर 3 महीने पे लगवाने पड़ते हैं, लेकिन इन इंजेक्शंस के कुछ साइड इफेक्ट देखे गए हैं जैसे कि वेट का बढ़ना। अगला है पिल्स, जो कि डेली एक गोली खानी होती है और ये बहुत समय से चली आ रही मेथड है। नेक्स्ट है वजाइनल रिंग्स। इन वजाइनल रिंग्स को पूरे महीने में से 3 हफ्ते पहना जा सकता है, केवल इन्हें पीरियड्स के दौरान 6 से 7 दिन के लिए हमें निकालना होता है। और लास्ट है बर्थ कंट्रोल पैचेस। ये पैचेस पीठ पे, पेट पे, बाजू पे, हिप्स पे, कहीं पर भी लगवाए जाते हैं और इनसे जो हार्मोन रिलीज होता है वो प्रेगनेंसी को रोकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो थे कुछ प्रचलित तरीके जिनसे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। अब मैं बताऊंगी आपको वो 3 बेस्ट मेथड जिनकी सक्सेस रेट हाई है और जो आप खुद से घर बैठे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड है प्रिवेंटिव मेथड, जिसमें कि इंटरकोर्स कब किया जाए ये समझना होता है। तो फ्रेंड्स, इंटरकोर्स कब किया जाना चाहिए, जबकि ओव्यूलेशन का टाइम ना हो, जैसे कि जब से पीरियड स्टार्ट होता है उससे लेके 7 से 10 दिन, जिनकी साइकिल छोटी है वो 7 दिन कंसीडर करें और जिनकी साइकिल 30 दिन, 35 दिन, 32 दिन की है वो 10 दिन तक सेफ टाइम मान सकते हैं। तो पीरियड के पहले दिन से 10वें दिन तक और उसके बाद पीरियड स्टार्ट होने से 7 से 10 दिन पहले तक का पीरियड, 10 से 14 दिन का जो पीरियड होता है बीच में वो ओव्यूलेशन का पीरियड होता है। किसी को 12वें दिन, किसी को 14वें दिन, किसी को 16वें दिन ओव्यूलेशन होता है और ये इंटरकोर्स के लिए सेफ पीरियड नहीं माना जाता है। तो पीरियड के पहले दिन से 10वें दिन और पीरियड आने से पहले 7 से 10 दिन का पीरियड सेफ होता है। इस दौरान भी अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। दूसरा मेथड है बैरियर मेथड्स, जिनमें कि एक बैरियर बीच में यूज किया जाता है। बैरियर मेथड में सबसे जो प्रचलित मेथड है वो है कॉन्डोम। आजकल फीमेल और मेल दोनों के लिए आते हैं। किन्हीं लोगों को उस पे लगे लैटेक्स से एलर्जी हो सकती है, तो आजकल बिना लैटेक्स वाले कंडोम भी मार्केट में अवेलेबल है। दूसरा है डायफ्राम। यह डायफ्राम इंटरकोर्स से कुछ घंटे पहले लगाना पड़ता है और इंटरकोर्स के 2 से 3 घंटे बाद हम इसको निकाल सकते हैं। इन डायफ्राम्स को हम कई बार यूज कर सकते हैं। कई कंपनियां इन डायफ्राम्स पे स्पर्मिसाइड लगाकर भी बेचती हैं जो कि इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं। अगला है फेम कैप या सर्वाइकल कैप। इसको बिल्कुल अंदर की तरफ, बॉडी के अंदर की तरफ डालना पड़ता है और इंटरकोर्स से कुछ घंटे पहले डालना होता है। इंटरकोर्स के 6 घंटे तक इसको रखना पड़ता है, 6 घंटे के बाद इसे निकाला जा सकता है और इसकी सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है स्पॉन्ज। इस स्पॉन्ज में कई तरह की क्रीम भी डाल के इनसाइड अंदर की तरफ प्लेस करना पड़ता है और आफ्टर इंटरकोर्स इनको निकाला जा सकता है।
अगला है स्पर्मिसाइड क्रीम। स्पर्मिसाइड क्रीम एक जनरल क्रीम होती है जो कि स्पर्म्स को किल करती है, स्पर्म को एग से मीट करने से पहले ही किल कर देती है। इस क्रीम को फिंगर से या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से अंदर वजाइना के अंदर अप्लाई किया जा सकता है। अंतिम है इमरजेंसी पिल्स। इमरजेंसी पिल्स जैसे कि नाम से ही पता है इमरजेंसी पिल्स, लेकिन आज के समय में बहुत प्रचलन चल गया है कि इसको हम बार बार यूज करने लग गए। तो फ्रेंड्स ये जरूर जान लें कि इमरजेंसी पिल्स 150 ग्राम की प्रोजेस्टेरोन की हाई डोज होती है। इसका बार बार यूज शरीर के लिए बहुत ही नुकसानकारक होता है। तो इमरजेंसी पिल्स का तभी यूज करें जब कोई एक्सीडेंटल केस हो, सपोज कॉन्डोम में कोई छेद हो, उसमें बर्स्ट हो जाए या फिर अनसेफ कॉन्टैक्ट हो और हमें उससे बचना हो, तो कहा जाता है 5 दिन, लेकिन 3 दिन के अंदर इसका यूज बहुत सेफ होता है। तो इमरजेंसी पिल्स को अनसेफ इंटरकोर्स से 3 दिन के अंदर जरूर ले लें। और हाँ, अगर पिल को लेने के बाद में 3 घंटे के अंदर वॉमिट हो जाती है तो हमें इस पिल को दोबारा लेना चाहिए, क्योंकि इसका काम शुरू करने में 3 घंटे लगते हैं। और अगर आपको 3 घंटे पहले वॉमिट हो गई है तो आपको इस पिल को दोबारा ले लेना चाहिए। लेकिन इमरजेंसी पिल्स का उपयोग हैबिट में लाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स ये तो थे वो बेस्ट 3 मेथड जिनकी सक्सेस रेट हाई है, जो कि है बैरियर मेथड्स, कॉन्डोम, डायफ्राम, फैम कैप, स्पॉन्ज एंड इमरजेंसी पिल्स। बने रहें हमारे साथ, देखते रहें यूट्यूब सहेली चैनल को और आप अपने को अपडेट करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।